कभी निर्भया कभी मणिपुर अब ये डॉक्टर बिटिया, कभी निर्भया कभी मणिपुर अब ये डॉक्टर बिटिया, जिसे देख रोता हर बेटी का बाप है, शायद बेटी का बाप होना ही सबसे बड़ा अपराध है। सर, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जहां बेटियों के साथ प्रताड़ित होने की खबर टीवी चैनलों या अखबारों में ना आती हो। कहीं पर परंपरा के नाम पर गर्म दूध में बेटियों को डुबोया जाता है, तो कहीं झोले में भरकर बेटियों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। ऐसे में एक पिता, लाचार बेबस पिता ने क्या खूब कहा है, जरा गौर कीजिएगा। हाँ हाँ मैं ही हूँ अपराधी अपनी उस नन्ही सी गुड़िया का, हाँ हाँ मैं ही हूँ अपराधी अपनी उस नन्ही सी गुड़िया का, उसने तो चुपके से आकर मुझसे कहा तो था जब वह गर्भ में अपनी माँ के थी, बापू मत आने दो मुझे इस हैवानों की बस्ती में, बापू मुझे मत आने दो इन हैवानों की बस्ती में, जहाँ बेटियाँ इंसान नहीं होती बस एक सामान है। और बेटी ने तब क्या कहा, जरा गौर कीजिएगा। तब बेटी कहती है, बापू तब आपने हमारी एक ना सुनी थी और आज देख लो आपकी गुड़िया का क्या हश्र है, दरिंदों ने नोच खाया है। तब रूंधे गले से बाप बस यही कहता है, हाँ हाँ मैं ही हूँ अपराधी अपनी इस नन्ही सी गुड़िया का। ओ रे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओ रे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा नन्नी सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। तेरी पलकों में सारे सितारे जड़ू, तेरी चूनर धनक सतरंगी बुनू, तेरे काजल में मैं काली रैना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं, तेरे नैनों सजा दूं सपना नया, ओरी चिड़ैया ओरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। तारे जहां से प्यारी मेरे भाई